हेलो गाइस, मेरा नाम सुमो, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रूटल सुमो। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं मस्त रहोगे, खुशी खुशी जी रहोगे। तो गाइस, मैं आगे आपके लिए मस्त गेम प्ले वीडियो लेकर भाई, जिसमें आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने उतरा है बंदा। और भाई, बंदे को मारने के लिए गन चाहिए होती थी पिछले अपडेट में, अब बंदे को मारने के लिए चाहिए होता चाकू। भाई, सबसे ज़्यादा खतरनाक वेपन है चाकू। आपको लग रहा है, देखिए आधा हेल्थ तो आकर मैंने यहाँ दो किलो खा लिए। एक के पास तो भाई गन थी, भाई इज्जत गन थी, उससे गन लेके मैं मर रहा था। तो भाई क्या होता है इस मैच में कि इस मैच में वहाँ पे मैं दो किल करके लुढ़क जाता हूँ। असल में वहाँ लुढ़क जाता हूँ, फिर आता हूँ यहाँ पोचिंग की में। भाई पोचिंग की में तो मेरे पीछे में एक बंदा ये मतलब ओके, इसको मार लेता हूँ फिर बता दो कि हाँ मेरे को इस बंदे का आया था फुट स्टेप आया। तो भाई अपन चला गया इसको मारने। अब इसको मैंने मार के यहाँ फिनिश करके अपना किल बढ़ा दिया। अब कहते हैं हम लोग यहाँ से धीरे धीरे निकलने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग को सामने एक बंदा दिखता है, वो जो बाणों से उसकी छत पे बैठा रहता है। मतलब साला इस मोड में भी कहते हैं इसमें तो उड़ने वाला पावर तक नहीं है, मोड़ने वाला पावर नहीं है, तब जाके तब भी बंदे इतना कैंप कर रहे हैं। भाई मैं क्या करूं, मेरे को समझ आता। फिर मैं जैसे इसको मारने जाता हूं, मेरे को बगल से फुटस्टेप आता है। तो फुटस्टेप आता है, एक बॉट होता है। तो भाई बॉट को तो अपन छोड़ता नहीं है, बॉट के साथ हाई हेलो करने मैं निकल जाता हूं अपनी M762 हाथ में पकड़ के, क्योंकि भाई M762 लंबी है, मोटी है। क्या मतलब ये M762 की बात नहीं हो रही है। मेरा टीममेट एक बंदे को वहां से पगी लेके वो भागा रहता है। तो क्या होता है, मैं इसको एक गोली मारूं और इसका नाम देखिए, ये बंदा वही है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले, मतलब ये बंदा अपना पेलम पिलाई पिला रहे हैं, वापस आ चुका है पोचिंग में मेरे पास। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से निकलने रहते हैं। अब जैसे यहाँ से निकलते हैं हम लोग कोचिंग से, हम लोग जाने वाले थे स्कूल तरफ। भाई यहाँ पे बंदा ये सर्फ बोर्ड लेके घूम रहा है, ये होवर बोर्ड जो भी नाम इसका। तो भाई मैं देखता हूँ, तो भाई अब मारना तो पड़ेगा। एक तो भाई ये बंदा दिखता नहीं है मेरे को 1%, पर फिर भी किल तो आप ही के भाई का है, आपके भाई का ही सारा किल तो है। भाई किल का असली बाप कौन है मैं? अबे उसको मार के हम लोग यहाँ जाते हैं अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट में भाई सोचते हैं कि लोग, तो मेरा टीममेट यहाँ पे जितने बंदे थे उन लोग को मार के हम लोग फिर यहाँ से निकल जाते हैं। क्यों मेरे को किल नहीं मिलता? भाई यहाँ पे मैं रैक क्या करूँ, किल मिलना भी तो चाहिए। फिर हम लोग यहाँ पे जैसे आते हैं, अब देखिए ये फार्म के पास जो ये आउटपोस्ट है, हम लोग इधर जाते हैं तो हम लोग की गाड़ी यहाँ पे पलट जाती है। अब मैं यहाँ बोलता हूँ अपने टीममेट को, भाई हमको नहीं लग रहा अपन लोग जोन पहुँचेंगे, क्योंकि भाई गाड़ी तो ऐसे ही पलट रही है हम लोग की बार बार। तो भाई जैसे ही हम लोग यहाँ आउटपोस्ट के पास से क्रॉस करते हैं, फुटस्टेप आते हैं बंदों के। अभी नहीं आएगा, अब आएगा। आपको दिखा बंदा अंदर बैठा हुआ था, बंदा हम लोग को मारने के लिए बाहर आया। अब भाई हम लोग की गाड़ी से यहाँ निकल गया था धुआं। अब भाई हमारी गाड़ी तो फूफू करने बैठ गई यहाँ पे। तो अब क्या कर सकते थे भाई, अपन लोग को फाइट लेना ही पड़ता और अपने पास कोई ऑप्शन नहीं। ये बंदा AKM से इतना डैमेज खा के मरा कैसे नहीं हमको, बस ये बता दो। अब भाई मैं उसको देता हूँ यहाँ पे अपने टीममेट को लोकेशन बता देता हूँ मैं उसका। उम्मीद में रहता कि भाई मेरा टीममेट आके मेरे को रिवाइव देगा। फिर जैसे ही मेरा टीममेट आता है, भाई एक बंदा आ जाता है 1v1 फाइट लेने, मैं टीममेट उसको पहले देता है। पर भले मेरे टीममेट की हेल्थ बहुत कम होती है, पर फिर मेरे टीममेट को पीछे से कोई मार देता है। ये इस मोड में बहुत पीछे से बहुत मारा जाता है यार, वो भी तेल लगाए यार, बहुत दर्द होता है पीछे मारने में। तो क्या होता है भाई, मैं दूसरा मैच खेलता हूँ, दूसरे मैच भाई उतरते साथ मेरे को मुझे वेक्टर और DP28। तो भाई इसको लेकर भाई मैं सीधा चल जाता सामने, इस बंदे को अंधा डैमेज, पर तीन आपके भाई का हो जाते हैं यहाँ चोरी पे। मैं अपने टीममेट को यहाँ रिवाइव देता हूँ, कि भाई रिवाइव देना बहुत जरूरी है भाई, टीममेट खड़े रहेंगे तभी तो आगे जाके थोड़ा 4v4 फाइट में मज़ा आता है। तो मैं अपने टीममेट को यहाँ रिवाइव देता हूँ, उसने हेल्थ मांगी, हेल्थ गिरा दिया। भाई मैं जैसे ही इधर आता हूँ, मेरे को बाहर से आता था गोली के साउंड। अब भाई जैसे इस बंदे को मारना है, इसकी तो पेटी बन गई, पर इसकी जिसने पेटी बनाई वो इसकी पेटी लूटने जा रहा था। अब भाई बंदे के पास IQ तो बहुत था भाई, उसने स्मोक करके लूटने गया पेटी, पर उसको नहीं मालूम था कि मैंने पेटी की लोकेशन देख रखी है और मैंने स्मोक में उसकी पेटी बना दी। मतलब मैंने उसको घोड़ा बना दिया स्मोक में। अब जाके उसको थोड़ा पीछे से थोड़ा देना पड़ेगा, फिर तो ज़्यादा मैं उसको जाके ऐसे मार देता हूँ भाई, वो जैसे थोड़ा आगे जाता है बस उसको मार के मेरे टीममेट एक और नॉक निकालते इधर, उसको नॉक कंफर्म करते हैं। क्योंकि भाई देखो मरे हुए बंदे जिंदा नहीं होने चाहिए, बात अपनी ऐसी है कि बस ऐसी है, ये मरे हुए बंदे जिंदा नहीं होने चाहिए। अब भाई जैसे देखता हूँ इस बंदे को दिखा मेरे को, भाई बंदा DPS चिपका देता है भाई, हेलमेट गया मेरा। उसका टीममेट आता है भाई, उसके टीममेट को मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया। अब क्या होता है भाई, मेरी हेल्थ तो है नहीं, मैं यहाँ रिलोड करते हुए आ जाता हूँ इस कोने में, कि मेरे को लगा कि ठीक है भाई यहाँ दिखेगा TP भी लेगा, TP भी लेते हुए मैं उसको मारेगा। पर ऐसा होता तो कुछ है नहीं भाई, उस एक ज़ॉम्बी उल्टा जाके उसको मारने अलग लग जाता है, मेरी याद मर जाती है भाई मेरे को मेरा किल नहीं मिलेगा। तो क्या कहता है, मेरा टीममेट एक नेड फेंकता है। अब एक नेड से मेरे को नहीं पता क्या होता है, पर मेरे को मेरा किल मिल जाता है, मेरे को मेरा किल मिल गया, ये दूसरा बंदा नॉक हो गया। और क्या चाहिए भाई, अपना टीम यहाँ पे अच्छा खेल रहा है। फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं सीधा पोचिंग की। मैं पोचिंग में देखिए भाई, इस मैच में आपका भाई फुल डोमिनेट खेलेगा, पूरा डोमिनेट करके मारेगा सबको। अब देखिए पोचिंग क्या है, स्क्वाड हाउस पे थे बंदे। अब भाई मेरा एक्टिवेट जाता है, एक बंदा मेरे को यहाँ से दिख गया, भले मैं अब स्प्रे में थोड़ा हगा,
भले ही मैं स्टार्टिंग में स्प्रे करा पर मैंने उसके बाद नहीं आया, उसके बाद मैंने उस बंदे को नॉक कर दिया वहाँ पे, फिर क्योंकि भाई रिवेंज लेना है ना भाई, लेना तो बनता है। अब रिवेंज की बात हो रही है, और लेने की, अब इस बंदे को मैंने अंधा डैमेज दिया। अब क्या होता है, मेरा टीममेट आता है गाड़ी लेके, तो भाई भाई अब मैं नॉक निकाल चुका, अब भाई मैं सीधा बगी उठा के पहुंच जाता हूँ उस पर रश करने। अब भाई रश करने पहुंचा मैं जैसे उस पर, अब देखिए मैं उस पर गाड़ी चढ़ा देता हूँ क्योंकि भाई बुलेट नहीं है तो बुलेट क्यों वेस्ट करना जब गाड़ी से काम हो सकता है, पेट्रोल तो डीजे में फ्री का असली में 100 रुपया लीटर है। तो भाई अब हम लोग यहाँ पर आराम से इसको फिनिश कर देते हैं। भाई फिनिश करके भाई ऊपर एक बंदा था, अब भाई मैंने तो सुना था इस मोड में भाई अपने टीममेट का नेड मॉली से डैमेज नहीं होता, तो मैं यहाँ मॉली करता हूँ, मुझे मालूम था बंदा उधर था, पर आग अंदर तक गई नहीं, आग बाहर आ गया। अब मेरे को यार नेट इसी टाइम खींच देना चाहिए था, पर मैं थोड़ा लेट करता हूँ नेट खींचने में, तब तक मेरा टीममेट अंदर चला जाता है और उसको पता ही नहीं रहता कि अंदर मैंने आग की है। भाई मेरी कुछ गलती नहीं है इसमें, भाई मेरी कुछ गलती है ही नहीं, मेरा टीममेट अपने आप जा रहा है, अंधारश कर रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा टीममेट का गलती है भाई, वो मरा है। तो मेरा काम तो कवर देना, मैं कवर दिया। भाई हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे स्कूल में अपार्टमेंट। अब भाई इस अपार्टमेंट में आप देखिए कैंपिंग का लेवल, अब देखिए इस अपार्टमेंट में रह के ही आपका भाई चिकन डिनर निकालेगा। अब यहाँ से मैं हिलेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, बस मैं अपार्टमेंट टू अपार्टमेंट रश करेगा, इस अपार्टमेंट से उस अपार्टमेंट, उस अपार्टमेंट से इस अपार्टमेंट, बस इतना ही करना है हमको। अब देखिए मैं इधर जैसे ही, अब इसके सामने वाले अपार्टमेंट में मेरे को फुटस्टेप आ रहे थे, मेरा टीममेट यहाँ पे कैसे भी एक TPP या कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के खिड़की के पास लटक गया सीलिंग पे। तो भाई मैं यहाँ पे फुटस्टेप के हिसाब से मैं यहाँ नेट फेंकता हूँ। अब मेरे को लगा बंदा एक उस नेट में, पर मेरा नेट जाते जाते जो मिर्गी का दौरा खा के नेट गया है लेफ्ट राइट होकर, मुझे नहीं लगा था नेट से फूटेगा कोई। तो भाई मैंने यहाँ पे दो नेट किए, दोनों कुछ नहीं हुआ, पर मैंने किलफिट पड़ी, बंदे ने खुद को नेट से फोड़ लिया। तो भाई मैं तो घुस गया भाई अंधा रश करने, घुस गया क्योंकि मेरे को मालूम था कि एक बंदा है, एक बंदा वो भी खुद को नेट करके फोड़ लिया। तो भाई ये मेरे किल लेने का क्या सबसे अच्छा चांस, तो मेरे को ऊपर फुटस्टेप आया तो मैं ऊपर आया, पर बंदा असल में ऊपर था नहीं, बंदा इसके नीचे वाले फ्लोर में था। तो भाई मैं जैसे जरा भाई मेरे को एक साउंड आई कि आप कोई मिराडो लेके आ गया रश करके, ठीक है भाई सब आ जाओ भाई हम अपार्टमेंट पे, तो सब अपार्टमेंट में आ जाओ। तो यार मैंने इसको कैसे भी नॉक कर दिया, कैसे भी गया मतलब भाई यार उसको डिले में भी ट्रेस कर रहा हूँ तो काम बड़ी बात तो है नहीं। अब मैं जैसे ही यहाँ पर रिलोड करता हूँ मेरे को फुटस्टेप पता कि मेरे अपार्टमेंट में आपको आ चुका है। अब मेरे अपार्टमेंट में आ चुका है तो मतलब जाहिर सी बात है मेरे पास रहने वाला है। तो भाई मैं खिड़की से नीचे कूदता हूँ जैसे ही, मतलब हाँ मैं कूदता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं कूदता, भाई जैसे ही कूदा मेरे को यहाँ पे बंदा नॉक दिखा, मैं समझ गया ये वही बंदा है। तो सबसे पहले तो मैंने इसके टीममेट को नॉक किया, इसके टीममेट को नॉक करके अपन ने इसका किल चुराया। अब इसका किल चुरा के अब देखिए ये वही बंदा है जो खुद को नेट से फोड़ा। अब भाई हम लोग आ जाते हैं मेन वाला अपार्टमेंट, भाई मेन अपार्टमेंट में था बंदा। अब भाई हम यहाँ पे पूरा मैंने मॉली कर दिया, नेट कर दिया, भाई मेरे पास जो जो थ्रो बल थे मैंने सब कर दिए, जो मेरे को लगा कि बंदा होगा। भाई जैसे ही मेरा टीममेट अंदर जाता है मेरा टीममेट पिट जाता है, मेरे को नहीं पता कैसे पर मेरा टीममेट पिट जाता है। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, भाई रिवाइव देना तो जरूरी है, तो मैं जाता हूँ भक्त अपने टीममेट के पास, उसको रिवाइव देता हूँ, उसका थोड़ा बैंड ये फर्स्ट एड गिराता हूँ, तब तक टीममेट कुछ तक फिर आता है। अब मैंने आपको बोलता ना अपार्टमेंट से बाहर नहीं जाऊँ, इस बंदे को मैंने फिनिश किया, फिर अपने टीममेट को फिर आता हूँ रिवाइव देना। भाई MG3 लेके इतना मोटा काला सा लेके बैठा है भाई तू, थोड़ा तो कुछ दिखा दे उसका MG3 का पावर, इतना मोटा है, इतना काला है, इतना लंबा है, फिर भी नहीं कुछ कर पा रहा है। अब भाई जैसे मैं टीममेट किया दूसरे टीममेट को रिवाइव देना है, भाई इसकी पेटी बना दी M249 से। अब भाई मेरे को फुटस्टेप आता है कि सामने बंदा है, तो मैं थोड़ी देर TPP लेता हूँ कि भाई मैं मालूम था बंदा आएगा तो इस खिड़की से ही आएगा, पर बंदा सच में आता है और उसकी पेटियाँ अब जाके मेरे टीममेट अपनी काली मोटी लंबी MG3 से बनाई। अब भाई फुटस्टेप आते हैं, एक बंदा बाहर था हम लोग की गेट के, तो भाई मैं यहाँ पर TPP लेता हूँ, मैं अगर देख लिया तो बंदा बाहर गया। अब मैं जैसे इसको मारना है, भाई मेरे को लगा बंदा बाहर है, फुटस्टेप बाहर से, पर जैसे मैं इधर आया भाई बंदा फुटस्टेप आ गया, बंदा पीछे आ गया। वन वी वन की फाइट आपके भाई ने जीती। अब क्या होता है, वो सामने जो छोटा घर दिख रहा है उसमें थे बंदे, उसमें जो बंदे थे उनके पास थी स्नाइपर। अब स्नाइपर लेकर वो लोग अपन को बहुत डैमेज दे रहा था, उसने ही मेरी हेल्थ फुल की। अब भाई वो लोग चल गए जोन के बाहर, गलती से अभी मैच में जोन हम लोग का पूरा फेवर दे रहा है। या मैंने पूरा ट्राई किया कार से उतारने का पर उतार नहीं पाया, पर भले ही नहीं उतार पाया, कार की खिड़की के थ्रू मैंने हेडशॉट मार के बंदा खत्म किया। पर जैसे इसको मारा मैंने देखा भाई राइट से कोई गोली चला है, तो मैं समझ गया इस पत्थर पे बंदा है, तो मैंने यहाँ पे नेड किया। फिर अब क्या कर सकते हैं, एक बंदा था हम लोग दो थे, तो ऐसे बात अपन जीत जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, गोल हम लोग का इस साल के एंड तक 100 सब्सक्राइबर पार करने का। अब देख रहे हैं भाई हल्का सा मेरे को स्मोक में दिखा, मैंने उसमें भी उसको हेड मारा, उसमें मेरे को मारा, पर बंदा मार के नहीं दिया मेरे को, वो अलग बात है। मैं आपको दोबारा मारता हूँ, तो मेरा टीममेट जाके उसको क्लोजिंग कर देता, मैं यहाँ पर डैमेज दे देता हूँ थोड़ा बहुत, और भाई बस खत्म। 6 असिस्ट, 11 किल, 6 असिस्ट, 17 किल तो इसी मैच में, और पहले वाले मैच में 6 किल, मतलब सोचिए 17 और 17 और 6, 23 किल का गेम प्ले था ये टोटल। तो भाई हम लोग जी जाते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सायोनारा।
लाइफ ठोकते जाओ बे, थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिलता है। हवन चीर दजावे लगे बाज दी चों जहर हथ नहीं।